हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो हमने ये चिलड़ू बना लिए मक्की के और उसके बाद खाया खाना। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और आप वीडियो का फुल इंजॉय करना और वीडियो को फुल वॉच करना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिल्लू और भारती बना रही थी दीदी जी और भैया जी के लिए मक्की के मुरमुरे। तो बहुत ही टेस्टी होते हैं और आगे मैं आवाज़ ऐसे ही रख दूँगी। लगी ना गरम गरम, लगी ना गरम गरम, ऐसे पागल जैसे हर बार करा चक्को लगी ना गरम गरम। क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? कुकड़ी? तेरे मुंह में पेट में बोलेगी कुकड़ी कुकड़ी कुकु। भारती तू बनाने लगी है? इसको मैं बोल रही हूँ कल्पना क्या मांग रही है? लाड़ा साहब को ना दुल्हन बुला रही है। ये आ गए लाड़ा साहब। ये लाड़ा साहब आते नहीं है ना वीडियो में, देख लो अच्छी तरह से। सब लोग देख लो लाड़ा साहब को। आज मैंने लाड़ा साहब को भी काम पे लगा दिया। ये रही उनकी लाड़ी सुंदर सी। तो आज निर्जल जी मेरे पति देव जी को भी ले आए वीडियो में, नहीं तो ये बहुत कम आते हैं वीडियो में और बोलते हैं कि मुझे शर्म आती है, तू ही करा कर, तेरा ही काम है। तो आज दीदी जी इनको भी ले आए वीडियो में और ये बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे दीदी जी ने जब इनके साथ मजाक किया। खाना खाने को सब तैयार। सारे बच्चा लोग आओ ना। बच्चे लोगों ने खा लिया ना? कहाँ खाया? ये आ गए थे पहले हमारे से। भारती, इनाक्षी, लकड़ू हो गए भाषणी छोड़ दो भाई। ना ना ठीक है, ना मैं कोई ठीक है, कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहा। अच्छा दाल का है? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लेना। क्यों? बहुत ज्यादा है। ना बुरा, ना ना बुरा, थोड़ा सा ले लो। ना ना बिल्कुल ना। क्यों? ना ना बुरा और घी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज इनको हमने बुरा खिला दिया। इसको हम बुरा बोलते हैं अपनी भाषा में, जो कि चीनी का पीसा हुआ मिश्रण होता है, तो घी के साथ खाते हैं और इसको हम अपनी भाषा में बूरा बोलते हैं। चीनी का बूरा नहीं बोलते, ऐसे ही बोलते हैं बूरा। मीनाक्षी, भारती ने खाया होगा कि नहीं? भावना, आप लोगों ने खाना ले लो ना, आओ ना प्लीज, आ जाओ। भावना मम्मा की तरफ मत देख, आ जाओ। पानी मैं तो साथ लेता नहीं। नहीं भाई जी, ले लूंगी मैं, कोई डोंट वरी। आप लो प्लीज, लो भाई जी, आप लो खाना, लो आपका खाना कहाँ है भाई जी? आ जाओ, जब सब साथ बैठ के खाएंगे। ये हुई ना बात, शाबाश बेटा। आओ ना बच्चे, क्या हुआ? तो अब चल पड़े दीदी जी और भैया जी घर के लिए और इन्होंने आज पूरे परिवार को वीडियो में ला दिया। ऐसे सभी वीडियो में आने से झिझकते थे, तो अब ये चल पड़े घर के लिए और मैंने इनको ककड़ियों का ये दिया थैली, क्योंकि हमारे ककड़िया बहुत ज्यादा होती है और जो
खीरे होते हैं इनका टेस्ट अलग होता है और जो ककड़ियाँ होती है इनका टेस्ट अलग होता है। तो और हम क्या दे सकते हैं, तो इनको हमने खीरे की यानी ककड़ियों की थैली दी, ये इसमें ककड़ियाँ है। और अब चल पड़े घर के लिए। और मेरी कमीज में मैं घास को गई थी तो वहाँ पर गुम्बर लगे। अगर मैं इस वीडियो को काट देती हूँ तो पूरी वीडियो में ये कमीज में गुम्बर लगे हुए तो वीडियो ही ख़त्म हो जाएगी। और अब चल पड़े भैया जी और दीदी जी घर के, नहीं वहाँ पे जाएंगे ऊपर मधु दीदी जी के घर में। तो बहुत ही, जब कोई मेहमान घर में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब घर से जाते हैं तो घर सुनना पड़ जाता है। तो अब हम बातें करते करते हुए जा रहे हैं गाड़ी तक। और ये आगे प्रिंस के पापा ले गए थे ककड़ियाँ और कुछ हो, ये अरबी के डंडल थे। और बस बहुत सारे हो जाते हैं घर पे मेरे जैसी अजारी। और दादी का घर याद आता है बिल्कुल। अयो आते छोटे छोटे से हो, इसको भी हुई है बैल, इसको भी बीमारी हुई हुई है। नहीं नहीं हां इनको नहीं, इनके हुई थी जर्सी और ऐसे। अच्छा वो हमारे अभी बच्चे ही है दोनों के, वो देख लिया नीम हाँ। के पत्ते देख लिए नीम, वहाँ पर थैला रखा नीचे रखा है मैंने देख लिया ना, पता है ना कहाँ है। हाँ वो सुखा चढ़ जा मतलब, उसने गाड़ी खड़ी करी नीचे उसके पेड़ के और ऊपर गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। सबके घर लगता नहीं है ना लोंकू, क्यों लगाते नहीं आप? नहीं कहते हैं कि सबके घर नहीं लगता। अच्छा आपने लगाना पत्थर, इन इन जूतों को नहीं पहनना करो तब, इसमें पैर में वो हो गया। हाँ घाव हो गया ना। हाँ हाँ लगते हैं तब नहीं पहनना करो इनको। हाँ। भैया मेरे पास दे दो भैया जी इसको। हाँ ये वो आपको पढ़ो, मेरे दोनों हाथों से जरूरत पड़ेगी। हाँ लाओ तुझसे ले। इधर से ये दिन बढ़ के था यार। तो अब हम पहुंच चुके हैं जहां पर गाड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि यहीं तक है हमारे रोड। और आजकल मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूं और उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बिजी हो गई थी। तो रिप्लाई तो मैं दूंगी, चाहे चार दिन बाद ही दूंगी, पर थोड़ा बिजी थी तो कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। हाँ बोल रहा है मैं भी लूंगा ऐसी गाड़ी से। यस ये हुई ना बात, इससे बड़ी गाड़ी लूंगा। उससे पहले सबसे बड़ा काम, तभी बड़ी गाड़ी आती है जब बहुत।
बादल की दुआ लेती जा। देखो मुंह में लगी हुई यहाँ पे चिरोले इन्हीं पाई करा। Give me high, give me low, too slow. कहाँ गए ये दोनों? ओये ओये तो एक फोटो ले आया मीनाक्षी है ना। हाँ एक फोटो लो। आ खोलो। आ तो खुली है ही। ज्यादा खोलो। ठीक है भैया जी आना फिर आना पर ऐसा न करना भी चुप चुप आए और बाद में घर में दिखे पता है तो बता कर आते तो होता ही नहीं है बता दो तो पूरा ही नहीं होता तब ऐसा कच्चा पक्का ही होता है जैसे आज हुआ। ये इसी में आनंद है। इसी में आनंद है। चलो बाय। ठीक है आना फिर जल्दी आ जाना ना। बिल्कुल जल्दी आएंगे दोनों ने आना उनको बुलाना आंटी जी को भी फिर यहीं पे रुकना 8-10 दिन में। ठीक है ना सब ने आ जाना ना कुत्तू बिल्लू ले आना अपने तब घर की टेंशन नहीं रहती नहीं। सही बात ऐसे फिर ध्यान घर में रहना और अपने आप काम पे होने। मैं तेरे को बोलने से तू अपने गाय डाल के ले आ। मेरी आनी नहीं ना आपके आ जाएंगे गाड़ी में मेरे थोड़े बड़े है। ओके चलो ठीक है था ना। तो अब चले गए दीप्ति जी और भैया जी मधु ठाकुर दीप्ति जी के घर में और आगे वाली वीडियो में भी ऐसा ही प्यार दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए राम राम जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं आपके आपको नई नई वीडियो लाती रहूँगी और ऐसा ही प्यार बनाए रखना जैसे कि आपने पीछे वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार किया तो उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि भैया जी और दीदी जी की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और भगवान जी इनको सदा खुश रखे स्वस्थ रखे।